हमारे शहर में आए दिन पुलिस हर चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है और उनसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बदले में जुर्माना वसूल करती है। लेकिन ज्यादातर लोग ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें आए दिन नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कितने तरह के चालान वसूल करती है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। अगर सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर आपसे पेपर्स दिखाने की डिमांड करता है तो आप उसको साफ साफ मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसके सीनियर अथॉरिटी से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ट्रैफिक लॉ के अनुसार SI रैंक या फिर उससे बड़े पद का कोई अधिकारी ही आपसे आपकी गाड़ी के कागजात मांगने का अधिकारी होता है। किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने का या फिर आपके वाहन को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि वो आपसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर यानी POC की डिमांड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार RTO ऑफिशियल्स का होता है। इसी तरह से अगर आप किसी ट्रैफिक रूल का वायोलेशन करते हैं, आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है। द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 132 के अनुसार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार या फिर सब इंस्पेक्टर 2 स्टार या फिर पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार ही वसूल कर सकता है। ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है, लेकिन ट्रैफिक हवलदार को आपसे किसी भी तरह की पेनल्टी वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर पुलिस आपको सिग्नल तोड़ने के दौरान या फिर आपकी गाड़ी पर 2 से ज्यादा लोगों के बैठे होने के दौरान या फिर भारी वाहनों पर सवारी बैठाने के दौरान या फिर शराब या कोई और नशा पीकर गाड़ी चलाने के दौरान या फिर मोबाइल पर बात करने के दौरान या फिर तेज बाइक चलाने के दौरान अगर वो आपको पकड़ती है, तो ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को आपके लाइसेंस को जब्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में आपके लाइसेंस को जब्त कर सकती है। अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है, लेकिन आप पर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन लगाने का अधिकार सिर्फ ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर SI यानी सब इंस्पेक्टर को ही होता है। हेड कांस्टेबल आप पर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता है और कांस्टेबल को आप पर किसी भी तरह का कोई फाइन लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान काटता है तो ऐसा करने का उसको कोई अधिकार नहीं है, आप उसको रोक सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल से लेकर SI तक सभी लोग सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है या उससे बड़े पद के अधिकारी होते हैं वो खाकी वर्दी पहनते हैं। आपको अपने घर से निकलते समय अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यानी RC, गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी POC और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और POC ओरिजिनल होने चाहिए या फिर डिजिटल लॉकर में होने चाहिए, जबकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी चल जाती है। अगर आपने अपनी गर्दन के ऊपरी हिस्से पर मतलब के कान, आंख या नाक या कहीं और अगर कोई सर्जरी करवा रखी है या फिर आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से हैं, तो आपको हेलमेट रखना जरूरी नहीं है। इस सिचुएशन में हेलमेट न होने की वजह से आपका चालान नहीं काटा जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कितनी तरह के चालान वसूल करती है। ट्रैफिक पुलिस 3 तरह के चालान वसूल करती है। सबसे पहला होता है ऑन द स्पॉट चालान। अगर आप नियम तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो आपसे तुरंत चालान काटकर पेनल्टी वसूल की जाती है। अगर आप किसी वजह से तुरंत पेनल्टी नहीं भर पाते हैं तो पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है और आपको चालान दे देती है, जिसे भरने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिलता है। दूसरा चालान होता है नोटिस चालान। अगर आप किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ करके भाग जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके चालान को गाड़ी मालिक के घर पर पहुंचा दिया जाता है, जिसे भरने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर आप इस 1 महीने में उस चालान को नहीं भरते हैं तो फिर उस चालान को कोर्ट भेज दिया जाता है। तीसरा चालान होता है कोर्ट का चालान। इस चालान को ज्यादातर किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ही बनाया जाता है। इस चालान में पेनल्टी के साथ साथ ही सजा का भी प्रोविजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी तरह का कोई नशा करने के बाद गाड़ी चलाते हैं और फिर आप पकड़े जाते हैं, तो इस सिचुएशन में चालान तो ऑन द स्पॉट ही बना दिया जाता है, लेकिन उसकी पेनल्टी भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सजा मिलती है। देखिए, अगर कोई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसके खून में अल्कोहल की मात्रा 30 mg/100 ml से ज्यादा है या फिर उसने इतनी ज्यादा शराब पी हुई है कि उसका व्हीकल पर कोई कंट्रोल ही नहीं है,
तो उसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोपी माना जाता है। पहली बार अगर कोई ये जुर्म करता है तो आरोपी को 6 महीने तक की जेल या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर पहले जुर्म के 3 साल के अंदर अंदर कोई दोबारा ऐसा करता है तो उसे 2 साल तक की जेल या फिर 3,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब पुलिस ऐसे शख्स का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए जब्त कर सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस ऑन द स्पॉट फाइन नहीं करती, सभी चालान कोर्ट भेजे जाते हैं और कोर्ट ही फाइन लगाती है। अगर आप दी गई तारीख को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपको समन और वारंट जारी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया गया है, चालान कटवाने के बाद क्या मैं खुद ड्राइव करके जा सकता हूँ? नहीं, आपको किसी दूसरे ड्राइवर की मदद लेनी होगी जो नशे में ना हो, या फिर आप अपनी कार को पुलिस के पास छोड़कर कैब लेकर के जा सकते हैं। कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने पर आपको आपकी कार वापस मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि शराब इतनी ही लूं कि गाड़ी ड्राइव करके जा सकूं, इस लिमिट का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई पक्का नियम तो है नहीं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि बियर की एक बोतल, 30 ml विस्की या फिर रम आपकी मान्य लिमिट यानी 30 यूनिट के नीचे रहती है। इससे ज्यादा होने पर आप लिमिट पार कर जाते हैं। वैसे तो हमारा शरीर भी एक घंटे में 10 यूनिट बर्न कर देता है। कुल मिलाकर ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पीने की कितनी देर के बाद गाड़ी चलाना शुरू किया है। अगर आप ज्यादा पी रहे हैं तो आपको ज्यादा देर से ड्राइविंग शुरू करनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि पुलिस वाले व्हीकल को जब्त कर सकते हैं, अगर हाँ तो किन सिचुएशन में व्हीकल को जब्त कर सकते हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ सिचुएशन में गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा हो, या फिर अगर व्हीकल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा हो, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को बिना किसी वैलिड परमिट के चलाया जा रहा हो, तो इन सभी सिचुएशंस में पुलिस वाले व्हीकल को जब्त भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि मेरी मौजूदगी में किसी गाड़ी वाले ने किसी को टक्कर मार दी, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप इस घटना के आई विटनेस हो गए, आपको शिकार हुए शख्स की मदद करनी चाहिए और एक्सीडेंट करने वाले की गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आपकी ही तरह के दूसरे लोग भी वहां होंगे, उन्हें एक्सीडेंट करने वाले के साथ मारपीट करने या फिर उसके वाहन को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं होता है, उन्हें पुलिस को ही सूचना देनी चाहिए। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए और फौरन ही उस शख्स को मेडिकल हेल्प मुहैया करानी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में कोई खतरनाक पेट्रोल या फिर ऐसा ही कुछ आग पकड़ने वाला सामान ढोया जा रहा है तो आसपास के लोगों को व्हीकल से दूर कर दीजिए। एक क्वेश्चन है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में जब पुलिस वाले किसी को रोकते हैं तो उसकी गाड़ी की चाबियां निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, पुलिस वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग भागने की कोशिश करते हैं और अपनी और दूसरे की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। वैसे चाबी निकालने का हक ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं है, ऐसा करना सही प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। एक सवाल है कि किस गुनाह के लिए कितना जुर्माना लगता है? देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 100 रुपीज जुर्माना लगता है और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 100 से ज्यादा लगता है। डिफेक्टिव नंबर प्लेट या फिर बिना सीट बेल्ट के अगर आप ड्राइविंग करते हैं, या फिर गलत जगह पर अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, या फिर आप रेड लाइट जंप करते हैं, या फिर इंडिकेटर दिए बगैर आप मुड़ते हैं, या आप PUC के बिना ही गाड़ी चलाते हैं, या फिर प्रेशर हॉर्न का आप इस्तेमाल करते हैं, या बिना हेलमेट के आप 2-व्हीलर चलाते हैं या पीछे बैठते हैं, या फिर गाड़ी पर आप इलीगल तरीके से लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, या फिर 2-व्हीलर पर आप 3 सवारी बिठाते हैं, तो इन सभी मामलों में आपसे 100 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 100 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगता है, जैसे कि ओवर स्पीडिंग पर आपसे 400 रुपए वसूल किए जाएंगे, बिना लाइसेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो 500 रुपए वसूल किए जाएंगे, नाबालिग अगर कोई ड्राइविंग करता है तो उससे 500 रुपए वसूल किए जाएंगे, ड्राइविंग के दौरान अगर आप मोबाइल पर बात करते हैं तो 1,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं तो भी 1,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, बिना इंश्योरेंस के अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फिर भी 1,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपसे 2,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, और अगर आप ऑड इवन का नियम तोड़ते हैं तो भी आपसे 2,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए जाएंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने ट्रैफिक रूल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।